हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ा वाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अच्छी में बात करने वाला हूँ। मेरे हाथ में है पास और पास के पीछे कुल टोटल मिला के 14 प्रोग्राम होने वाले हैं। कौन सा तारीख को ओपनिंग होगा और कौन सी तारीख को मेला पूरा हो जाएगा, ये सब डिटेल में बात करने वाला हूँ। और जो मेला है ये मेले को कितना साल हो गए सब डिटेल में बताऊंगा। और ये मेले का क्या नाम है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है मेरे हाथ में पास। जी हाँ फ्रेंड्स, कैमरा मेरी साइड में है तो ये सब उल्टा आपको नजर आएगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। और इसके पीछे कार्यक्रम लिखा हुआ है और कुल टोटल मिला के ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बारह है। वापिस मैं गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जी हाँ, ये 12 प्रोग्राम है। और प्रोग्राम कौन से हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोकणा चौ भव सांस्कृतिक व मालवणी महोत्सव जलोक्षाचा उत्सव चारकोप महोत्सव 2022। अभी इसके संचालक कौन कौन है, पहले संचालक का नाम आता है दिलीप पंडित सलगार, बाद में आता है सुहास आड़ी वरेकर, अध्यक्ष कोकण विकास आघाड़ी मुंबई, और सह आयोजक भरत पांचाल और आयोजक राजेश अय्या। और इसके पीछे जो अभी कार्यक्रम है तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला प्रोग्राम है कोकणी गीतचा रंगारंग कार्यक्रम, शिव छत्रपति चा विशेष कार्यक्रम, एकल नृत्य स्पर्धा सोलो डांस कॉम्पिटिशन, ओम वीर भद्र दशा अवतार मंडल घाट कुंडाळ दशा अवतार, संचालक उमेश धुरी भगवती दशा अवतार मंडल। फिर बाद में जीमा पहले भी एक टर्जन पॉइंट पे प्रोग्राम था मंगला गौरी। जी हाँ, मंगला गौर तो जो लेडीज लोग ने जो प्रोग्राम जो किया था, मैंने वीडियो जो यूट्यूब चैनल पे जो मैं अपलोड किया था, तो यही प्रोग्राम मेले में होने वाला है बहुत बड़े स्टेज के ऊपर। जीमा फुगड़ी खेड़त, मतलब बहुत हार्ड मराठी में लिखा हुआ है, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। खेल खेड़त साजरी करुण मंगला गौर, महाराष्ट्र की लोकधारा साईबाबाची जीवन
जीवनार आधारित साई लीला चरित्र डबल बारी भजनाचा सामना। और एक फ्रेंड्स, एक गुजराती में डायरो होता है, तो ये डायरो जो रहता है, न जाने लोग गुजराती ये डायरो सुनने के लिए भी आते हैं। और ये डायरो बरसों से, मतलब पीढ़ियों पीढ़ियों से पहले ये चलते आ रहा है डायरो। और डायरो तो मतलब समझो कि ये तो मेले में अलग डायरो हो गया, लेकिन जब ये स्टेज प्रोग्राम जब ये होता है तो मंजीरों को कैसे बजाते हैं, तबला को कैसे बजाते हैं, ये सब ये डायरो में बहुत ही अच्छा होता है। गुजराती डायरो मतलब बहुत ही खूबसूरत रहता है। एक गुजराती की स्पेशलिटी है डायरो। और डायरो अगर आपने नहीं देखा है, अगर डायरो के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपने ऐसे वीडियो डायरो के देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे ऐसे नाम। और किसी के चैनल पे भी आपको ऐसे ब्लॉग देखने को भी नहीं मिला होगा। तो ये जो गुजराती डायरो है, मैं YouTube चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। अभी गायन स्पर्धा, कराओके, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ये तो अलग बात हो गई। जो अपन नॉर्मल जो गाना गाते हैं, तो ये भी एक स्पर्धा हो गई। घर पे गाना और पब्लिक लोग के सामने गाना, ये बहुत बड़ी अलग बात हो गई। सदाबहार लावणीचा कार्यक्रम, जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेन बात तो मैं बोलने वाला हूँ। आप सभी लोग ने लावणी डांस तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, सिर्फ मेरी चैनल पे गाना सुना होगा लावणी का। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि लावणी डांस का मतलब क्या होता है। लेडीज लोग जो साड़ी पहनती है वो कैसे साड़ी पहनती है, ज्वेलरी कैसे पहनती है, ये सब YouTube चैनल पे मैं लेके आने वाला हूँ। और सोमवार को 7 नवंबर को है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लावणी को बिल्कुल भी मत मिस करना। इसका अलग से मैं प्रेजेंटेशन करूँगा लावणी का। समूह नृत्य स्पर्धा, ग्रुप डांस कंपटीशन, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सब प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल पे बारी बारीकी से अपलोड भी होगा। और आप सभी लोग को ये मालवनी मेला बहुत ही पसंद आएगा। सो यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरी नई बातें आप सभी लोग को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। एक मिनट, एक छोटी सी मैं सूचना देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, के पूरा वीडियो देखना तो ही आपको पता चलेगा कि मैं जो नई बात लेके आया हूँ और मेरी बात आप सभी लोग तलक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग अपलोड होना बाकी है। थैंक यू सो मच, बाय।